हे वेलकम बैक टू द वीडियो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 11,000 के आसपास आने वाले कुछ बेस्ट स्मार्टफोन के बारे में। सो बेसिकली मैंने आपके लिए टॉप 4 बेस्ट स्मार्टफोन को रखा है जिससे आप 11 से 12,000 के आसपास परचेज कर पाएंगे। ये चारों स्मार्टफोन बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ आते हैं, जैसे कि आपको 11 से 12,000 के प्राइस पॉइंट पर डायमेंसिटी 810 5G चिपसेट मिल जाएगा, जो कि 15,000 के नीचे बहुत ही तगड़ा चिपसेट है। 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिल जाएगी 11,000 के प्राइस पॉइंट पर, और ये काफी कमाल की बात हो जाती है। इसके साथ ही 7000 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वाट तक का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर होगा और भी बहुत सारे तगड़े फीचर्स मिलने वाले हैं आपको इन चारों स्मार्टफोन में। सो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपका बजट 11 से 12,000 के बीच में है और आप कंफ्यूज है आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो, इसलिए हमने इन चारों स्मार्टफोन को ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बेसिस पर रैंकिंग किया हुआ है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 4 से। और नंबर 4 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये फोन इस लिस्ट का सबसे न्यू फोन है और यही एक ऐसा फोन है जिसमें आपको 7000 mAh की मैसिव बैटरी मिल जाएगी। खैर, इस फोन का नाम है टेक्नो पोवा 3। 11,000 के आसपास ये फोन आपको मिल जाएगा और इस प्राइस पॉइंट पर ये एक कंप्लीट पैकेज है। सो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन दिखने में बहुत ही अच्छा है, कंप्लीट प्लास्टिक बिल्ड पर बना हुआ है। प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 9.4 mm की थिकनेस दी गई है, मतलब ये फोन मोटा है एंड 230 ग्राम वेट है। सो ये फोन भारी भी है। ऑब्वियसली इस फोन में आपको बड़ी बैटरी मिलती है जिसके कारण ये फोन थिक है और वेट भी ज्यादा है। ओवरऑल प्राइस रेंज के हिसाब से डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छा मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक ब्लू कलर वाले में बैक पैनल पर नोटिफिकेशन LED दी गई है, जो कि बहुत ही कूल दिखता है। खैर, बात करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलेगा ड्यूल स्टीरियो स्पीकर विद DTS ट्यूनिंग। बाकी ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन दिया गया है, मतलब 2 SIM और 1 memory card सेम टाइम पर लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जो कि अच्छे से काम करता है। अच्छी बात यह है कि ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 के साथ आता है बेस्ट ऑन iOS। सो थोड़े बहुत आपको ब्लॉटवेयर मिलेंगे जिसे आप इजीली अनइंस्टॉल कर पाएंगे। और टेक्नो ने UI के अंदर बहुत सारे फीचर्स दिया है। इनफैक्ट इस फोन में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला, और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। इसके साथ ही कुछ मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में आपको मिलता है 7000 mAh की मैसिव बैटरी और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वाट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है। 40 मिनट के अंदर 50% बैटरी चार्ज हो जाती है, टेक्नो का ऐसा कहना है। बट बैटरी को फुल चार्ज होने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। बट एक बार बैटरी चार्ज हो गया तो 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा इस फोन से आपको। ऑल्सो रिवर्स चार्जिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम डिस्प्ले के बारे में बात करें, तो इस फोन में आपको मिलता है 6.9 inches की बड़ी डिस्प्ले, जो कि फुल HD+ IPS डिस्प्ले के साथ आता है। 90Hz का फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है। 180Hz की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है गेमिंग के लिए। 500 nits की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है, जो कि ठीक ठाक ब्राइटनेस लेवल है IPS डिस्प्ले के हिसाब से। ऑल्सो वाइड 1L1 सर्टिफाइड है। और डिस्प्ले के ऊपर किस टाइप का प्रोटेक्शन है इसके बारे में हमें पता नहीं चल पाया। ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है। अगर आप कंटेंट कंजप्शन के लिए एक बेस्ट फोन परचेज करना चाहते हैं 10 से 11,000 के बीच में, तो शायद ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर है, ऑलमोस्ट 7 inches की डिस्प्ले दी गई है, 7000 mAh की बड़ी बैटरी भी है। सो इन चीजों का कॉम्बिनेशन बेस्ट है मूवीज वगैरह देखने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं कैमरा के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा। प्राइमरी सेंसर 50 MP का दिया गया है, सेकंड कैमरा 2 MP का है जो कि डेप्थ सेंसिंग के लिए है, और थर्ड कैमरा AI लेंस है। रियर कैमरे से 2K रेजोल्यूशन में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में सिर्फ 8 MP का कैमरा दिया गया है, जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है। फ्रंट कैमरे से भी 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा तो नहीं मिलता है, लेकिन टेक्नो ने प्राइमरी सेंसर को काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है। डेलाइट कंडीशन में अच्छे फोटो आ जाते हैं। लास्टली परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फोन में आपको मिलता है MediaTek G88 का 4G चिपसेट, जो कि एक डिसेंट टाइप का चिपसेट है। 12nm पर बना हुआ है। लगभग 230,000 के आसपास अंतुतु स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि चिपसेट के अकॉर्डिंग अच्छा स्कोर है। LPDDR4X वाला रैम है, UFS 2.1 का स्टोरेज है। वर्चुअली 5GB तक रैम बढ़ा पाएंगे। सो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक मिल जाएगा। लो सेटिंग में आप गेमिंग वगैरह कर सकते हैं, बाकी डे टू डे यूजर्स में कोई इशू नहीं होगी। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो 464 के लिए आपको 11,999 रुपए देने होंगे।
और 6/128 के लिए 12,999। दोनों ही वेरिएंट पर आपको 1500 रुपये का इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आपके पास कोटक बैंक के डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड है तो। पहले यह फ़ोन सिर्फ 11,000 के आसपास मिलता था बिना किसी बैंक ऑफर के, लेकिन अब 12,000 के आसपास मिल रहा है। बट फिर भी बैंक ऑफर के साथ इस फ़ोन को 11,000 के नीचे परचेज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो 11 से 12,000 के प्राइस पॉइंट पर बहुत सारे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं इस फ़ोन में। ये रहे इस फ़ोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले स्मार्टफोन के बारे में। और नंबर 3 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये फोन भी कंटेंट कंजप्शन के लिए बेस्ट रहेगा या फिर ये फोन उन यूजर्स के लिए बेस्ट रहेगा जो लोग एक सैमसंग के फोन परचेज करना चाहते हैं 11 से 12,000 के प्राइस पॉइंट पर। तो इस फोन का नाम है सैमसंग गैलेक्सी M32 4G। 11,000 के आसपास ये फोन भी आपको मिल जाएगा इजिली, और इस प्राइस पॉइंट पर सुपर सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है ये। सो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में। स्टार्ट कर लेते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 9.3 mm की थिकनेस दी गई है, मतलब ये फोन स्लाइटली थिक है, मोटा है क्योंकि बड़ी बैटरी लगी हुई है इस फोन के अंदर। एंड 196 ग्राम वेट है, तो वेट को सैमसंग ने अच्छे से मैनेज कर रखा है। सो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है, डिसेंट टाइप का आप कह सकते हो। इसके साथ ही कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। बायोमेट्रिक के लिए साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर दिया गया है जो कि लाउड है, स्टीरियो स्पीकर नहीं है। सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें तो ये फोन एंड्रॉइड 11 पर रन करता है बेस्ड ऑन One UI 3.1, लेकिन जैसे आप इस फोन को परचेज करेंगे एंड्रॉइड 12 का अपडेट मिल जाएगा। 2 मेजर एंड्रॉइड अपडेट मिलने वाला है इस फोन में आपको, और ये काफी अच्छी बात हो जाती है। सैमसंग के कुछ अच्छे फीचर्स भी मिल जाते हैं आपको, जैसे कि इस फोन में आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा बिना अनाउंसिंग वाला। इनफैक्ट सैमसंग के सभी फोन में ये फीचर आपको मिल जाएगा। बात करते हैं कुछ मेन फीचर्स के बारे में। तो इस फोन में आपको मिलता है 6000 mAh की बड़ी बैटरी, और उसी को चार्ज करने के लिए 15W का चार्जर दिया गया है। हालांकि ये फोन 25W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट चार्जर आपको 15W का ही मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। सो चार्जिंग स्पीड थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन बैटरी बैकअप से आपको बिल्कुल भी इशू नहीं मिलने वाली है। 1 से 2 दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाएगा इस फोन से आपको। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, जो कि इस फोन का बेस्ट पार्ट है। सो इस फोन में आपको मिलता है 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले विद 90Hz रिफ्रेश रेट, 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है गेमिंग के लिए। अप टू 800 nits की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाती है, जिससे आपको ब्राइटनेस से भी ज्यादा इशू नहीं होगी। वाइड बॉन्ड L1 सर्टिफाइड है, और डिस्प्ले के ऊपर COG5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। तो डिस्प्ले प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग बहुत ही कमाल का मिल जाएगा आपको। मूवीज और कंटेंट वॉचिंग के लिए 12 से 13,000 के रेंज में सबसे बेस्ट फोन है ये, क्योंकि सुपर एमोलेड 90Hz वाली डिस्प्ले मिल जाती है, बड़ी बैटरी है। खैर कैमरा के बारे में बात कर लेते हैं, तो कैमरा भी अच्छा मिल जाता है इस फोन में हमें। इस फोन में आपको मिलता है क्वाड रियर कैमरा, प्राइमरी सेंसर 64 MP का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है, और बाकी 2 और सेंसर मिल जाते हैं 22 MP के जो कि मैक्रो फोटो और डेप्थ सेंसिंग के लिए है। रियर कैमरे से आप 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। वहीं फ्रंट में 20 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है जो कि यू नॉच के साथ आता है, और फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। डे लाइट कंडीशन में काफी अच्छे फोटोज और वीडियोस निकाल पाएंगे, ओवरऑल कैमरा भी आपको अच्छा मिल जाएगा। चलिए लास्टली परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक पार्ट है इस फोन का। इस फोन में आपको मिलता है MediaTek G80 का चिपसेट, जो कि एक 4G चिपसेट है, डिसेंट टाइप का चिपसेट है, बट सैमसंग ने इसे अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रखा है। 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है, लगभग 200,000 के आसपास अंतत स्कोर देखने को मिल जाती है, जो कि चिपसेट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक स्कोर है। LPDDR4X वाला रैम है, eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है, वर्चुअल रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप का मिलने वाला है, एवरेज टाइप का कह सकते हो। गेमिंग पर्पस के लिए इस फोन को आप मत परचेज करना, लेकिन आप थोड़े बहुत गेमिंग खेलते हो तो आपको कोई इशू नहीं होगी। फाइनली प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो 4/64 के लिए आपको 13,000 रुपए देने होंगे, और 6/128 के लिए 15,000 रुपए, और 1,000 से 1,500 रुपए तक का बैंक ऑफर भी मिल जाएगा। और कुछ दिनों पहले ये फोन 10 से 11,000 के आसपास मिल रहा था, तो सेल वगैरह आती रहती है, तो सेल के दौरान परचेज करोगे तो 10 से 11,000 के आसपास ये फोन आपको इजीली मिल जाएगा। डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप लाइट यूजर है, गेमिंग वगैरह कम करते हैं, मूवीज वगैरह ज्यादा देखते हैं, या फिर आप 12 से 13,000 के बीच में कैमरा के लिए फोन लेना चाहते हैं, तब भी ये फोन आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। नंबर 2 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है, ये एक परफेक्टली गेमिंग फोन है, क्योंकि इस फोन में आपको मिलता है 120Hz वाली डिस्प्ले, पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर। सो इस फोन का नाम है Realme Narzo 50। वैसे तो ये फोन 13,000 के आसपास आता है, लेकिन फिलहाल ये फोन आपको बिना किसी बैंक ऑफर के 11,000 के आसपास मिल जाएगा।
और इस प्राइस पॉइंट पर यह भी एक कमाल का स्मार्टफोन है। सो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक और प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, टेक्सचर डिजाइन के साथ आता है, तो दिखने में काफी अच्छा फोन है ये। 8.5 mm की थिकनेस है एंड 194 ग्राम वेट है। सो ये फोन ज्यादा मोटा नहीं है और वेट भी ठीक ठाक है। ओवरऑल डिजाइन आपको अच्छा मिल जाएगा, आप देख सकते हैं अच्छे डिजाइन के साथ आता है ये फोन। कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करें तो इसमें आपको ट्रिपल स्लॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब दो सिम और एक मेमोरी कार्ड सेम टाइम पर लगा पाएंगे। सिंगल मोनो स्पीकर दिया गया है, स्टीरियो स्पीकर नहीं मिलेगा आपको। साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है जो कि काफी तेजी से काम करता है, और एंड्रॉइड 11 मिल जाएगा बेस्ड ऑन Realme UI 2.0। जल्द ही Realme UI 3 का भी अपडेट आने वाला है इस फोन के अंदर। अगर हम इस फोन के बैटरी के बारे में बात करें तो इसमें आपको मिलेगा 5000 mAh की बैटरी एंड उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है। लगभग 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं बैटरी को फुल चार्ज होने में। एक दिन का बैटरी बैकअप आपको ये फोन दे देगा। परफॉर्मेंस की बात करें जो कि इस फोन का टैगलाइन है, सो ये फोन मीडियाटेक G96 गेमिंग चिपसेट के साथ आता है। ये चिपसेट भी 12 नैनोमीटर पर बना हुआ है। 3,50,000 के आसपास अंतत स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा स्कोर है। इसे आप बेस्ट गेमिंग फोन भी कह सकते हैं अंडर ₹13,000। UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप दिया गया है एंड LPDDR4X वाला रैम मिल जाएगा आपको। वर्चुअली 5 GB तक रैम बढ़ा पाएंगे लेकिन ये केवल 6 GB वाले वेरियंट में ही काम करता है। सो परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में ये फोन बेस्ट रहने वाला है। कैमरा सेटअप के बारे में बात करें तो ये फोन ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 50 MP का दिया गया है। इसके साथ ही दो और कैमरे मिल जाएंगे आपको, वही 2-2 MP के जो कि बोके इफेक्ट और मैक्रो फोटो के लिए दिए गए हैं। रियर कैमरे से 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे, और फ्रंट में 60 MP का कैमरा दिया गया है जो कि पंचोल कटआउट के साथ आता है, और फ्रंट कैमरे से भी 1080p में 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो कैमरा आपको डिसेंट या फिर ओके टाइप का मिलेगा। लास्टली डिस्प्ले के बारे में बात करें तो ये फोन 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ आता है। 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट के साथ आता है, मतलब आपके यूजेस के हिसाब से इस फोन का रिफ्रेश रेट चेंज होगा। वैसे 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी दिया गया है। 600 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है जो कि काफी अच्छी ब्राइटनेस है, और Realme ने प्रोटेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। प्राइसिंग की बात करें तो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के लिए ₹12,999 पे करने होंगे, और 6/128 के लिए ₹15,499 पे करने होंगे। फिलहाल इस फोन को अगर आप Amazon से परचेज करते हो तो ₹2,000 का कूपन मिल जाएगा जिसे आप इजीली अप्लाई कर सकते हो, एंड उसके साथ ही ये फोन आपको सिर्फ 11,000 में मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट पर ये एक अच्छा स्मार्टफोन है। कैमरा परफॉर्मेंस अच्छा है, गेमिंग प्रोसेसर लगा हुआ है, 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिल जाती है, 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। बाकी ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स। सभी स्मार्टफोन का बेस्ट वाली लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। नंबर 1 पर जो हमने स्मार्टफोन रखा है ये एक 5G फोन है, और 11 से 12 हजार के प्राइस पॉइंट पर सबसे बेस्ट 5G फोन है, और सबसे बेस्ट गेमिंग फोन भी है ये। सो इस फोन का नाम है Poco M4 Pro 5G। फिलहाल ये फोन आपको बिना किसी स्पेशल बैंक ऑफर के 12 हजार के आसपास मिल जाएगा। चलिए जल्दी से जान लेते हैं इस फोन के बारे में भी। स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। तो ये फोन कंप्लीट प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, फंकी सा डिजाइन दिया गया है, वही पोको के टिपिकल डिजाइन के साथ आता है। 8.8 mm थिकनेस के साथ आता है एंड 195 ग्राम वेट के साथ आता है। ओवरऑल आपको डिजाइन अच्छा मिल जाएगा। बात करते हैं कुछ अदर फीचर्स के बारे में, तो ये फोन हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ आता है, मतलब दो सिम या फिर एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं सेम टाइम पर। ड्यूल स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है। बायोमेट्रिक के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। एंड्रॉइड 11 पर रन करता है बेस्ड ऑन MIUI 12.5। ये फोन 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, और उसी को चार्ज करने के लिए 33 वॉट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया गया है। अराउंड 1 आवर के अंदर फुल चार्ज हो जाती है इस फोन की बैटरी। नॉर्मली एक दिन का बैटरी बैकअप दे देगा ये फोन आपको। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, सो ये फोन Dimensity 810 5G चिपसेट के साथ आता है। ये चिपसेट 6 nm पर बना हुआ है, मतलब बैटरी कंजप्शन कम होगी। अराउंड 3,70,000 के आसपास अंतत स्कोर देखने को मिल जाती है जो कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा स्कोर है। UFS 2.2 स्टोरेज टाइप दिया गया है एंड LPDDR4X का रैम टाइप दिया गया है। वर्चुअली 3 GB तक रैम बढ़ा पाएंगे जो कि सिर्फ 8 GB वेरिएंट में ही काम करता है। सो ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस बेस्ट इन क्लास मिल जाएगा प्राइस के अकॉर्डिंग। वहीं अगर हम 5G बैंड्स के बारे में बात करें तो ये फोन 7 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है। कैमरा सेटअप के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये फोन ड्यूल रियर कैमरे के साथ आता है। प्राइमरी सेंसर 50 MP का दिया गया है, सेकंड कैमरा 8 MP का है जो कि अल्ट्रा वाइड के लिए है। हालांकि आपको 3-4 कैमरे दिखेंगे लेकिन दो ही कैमरा है। रियर कैमरे से 1080p में 60 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे।
फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है जो कि पंच होल कटआउट के साथ आता है और फ्रंट कैमरे से 1080p में 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे। कैमरा आपको एवरेज टाइप का मिल जाएगा, ठीक ठाक कैमरा सेटअप दिया गया है। लास्टली डिस्प्ले के बारे में बात कर लेते हैं तो ये फोन 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले के साथ आता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, गेमिंग के लिए 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है तो टच रिस्पॉन्सेस काफी कमाल की मिल जाएगी। 510 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है तो ठीक ठाक ब्राइटनेस लेवल आपको मिल जाएगी, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी। डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन दिया गया है। डिस्प्ले ठीक ठाक दिया गया है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। प्राइसिंग की बात करें तो 4/64 के लिए 12,999 रुपए है, वहीं 6/128 के लिए 15,000 रुपए और 8/128 के लिए 17,000 रुपए। 1,000 रुपए का बैंक डिस्काउंट मिल जाएगा इस फोन के ऊपर भी और बेस वेरिएंट वाला आपको इजीली 12,000 के आसपास मिल जाएगा। इस प्राइस पॉइंट पर सबसे बेस्ट 5G फोन है। ये रहे इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स, आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस यही थे हमारे लिस्ट के टॉप 4 बेस्ट फोन अंडर रुपीज 11,000। प्राइजेस थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं बट मानकर चलिए ये सभी फोन आपको 11,000 के आसपास मिल ही जाएंगे। तो बेस्ट वैल्यू एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, परचेज करने से पहले डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी भी आपका कुछ डाउट और कंफ्यूजन रह गया तो कमेंट कीजिए या फिर आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। इसके साथ ही मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।